क्रिकेट में कॉमेडी का तड़का लगाने जल्द आ रहे हैं गूगली और मिस्टर LPW. सो क्या कहेंगे शिल्पा और सुनील, ये नया किरदार प्रोफेसर का डॉक्टर के बाद एंड आपका गूगली का, क्या कहना चाहेंगे शिवाजी? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये नया किरदार है और हम लोग ये लुकिंग फॉरवर्ड कि क्रिकेट के साथ साथ उसमें कॉमेडी डाल के लोगों को हंसाएं और ये जियो और माई जियो ऐप पे ये शो आएगा अपने तरह में. ये नया एक एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं आपकी क्रिकेट की. हमेशा आप क्रिकेट की एक्सपर्ट एडवाइजेज आप सुनते रहते हैं, उनके कमेंट्स सुनते रहते हैं, लेकिन इस बार इसके अंदर कॉमेडी भी डाली गई है. तो ये मेरे लिए भी नया अनुभव है और बहुत इन्जॉय कर रहे हैं हम लोग. कुछ दिनों से शूट कर रहे हैं, इसका तैयारी चल रही है इसकी. तो लुकिंग फॉरवर्ड कि लोग हंसें, क्रिकेट भी देखें और साथ साथ में उनको हंसी भी आए. शिल्पा, आपने बोला था कि अब डेली सोप में कोई कॉमेडी अब नहीं करेंगे, लेकिन अब कॉमेडी कर रही है ऑन अ वेब शो, सो क्या कहेंगी इसके बारे में? मैं वही के कहा, मैं बड़ी स्क्रीन करना चाहती थी, मैं टीवी से भी और छोटे स्क्रीन पे आ गई. लेकिन हाँ, इसकी राइट. तो नहीं, मुझे ऐसा नहीं था कि टीवी नहीं, बट टीवी में कॉमेडी एक बार कर चुकी हूँ, तो ये एक्चुअली मौका मिलना होता है. और ये जैसे ही मुझे ऑफ़र आया तो पता नहीं, यहाँ काम करके ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं पहली बार काम कर रही हूँ. मैं सुनील जी के साथ काम करने के लिए थोड़ा डर रही थी क्योंकि मैं भेड़िया हूँ, मैं चमगादड़ हूँ. नहीं, फिर डरने वाली क्या बात है? नहीं नहीं, ऑफकोर्स आप, आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है इनके हर एक कैरेक्टर के बारे में, ये कैसे आर्टिस्ट है. और कॉमेडी बहुत डिफ़िकल्ट है, लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल है आजकल. एक्चुअली बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, लोगों को प्रॉब्लम्स लेकर बैठ जाते हैं, और जिस हिसाब से कॉमेडी में बहुत एनर्जी लगती है, तो मैं भी और सीखूँ, क्योंकि जितना सीखोगे उतना होता है, अच्छी चीज़ें होती है. तो मैं इनके साथ सीख रही हूँ और सीरियसली हम कोशिश करेंगे कि लोग हंसे और इन्जॉय करें, सारे अपने प्रॉब्लम्स है उसे भूल जाए. तो ये मैंने एक्सेप्ट किया और मुझे बहुत बेस्ट लग रहा है, क्योंकि लेजेंड कपिल जी के साथ हम स्क्रीन स्पेस शेयर कर रहे हैं. फिर इस टीम में सभी आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, तो ये एक अलग एक्सपीरियंस है. सुनील, आप कहेंगे शिल्पा के साथ, मतलब एज अ वाइफ आपकी वो प्ले कर रही हैं जो बिग बॉस घर में काफ़ी स्वादिष्ट खाना बना के लोगों को खिलाती थी, लेकिन एक प्रोमो में हमने देखा कि आपको कुछ पसंद नहीं आया उनका खाना. हाँ, प्रोमो में ही है, मुझे अभी तक इनके हाथ का असली खाना खाने का मौका मिला नहीं है, लेकिन वो स्क्रिप्ट ऐसी थी, वरना मैं तो तारीफ ही करता. लेकिन शिल्पा बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, बहुत मेहनत करती है और बहुत पैशनेट आर्टिस्ट हैं, और इनकी कोशिश होती है कि वो अपना बेस्ट दें, और मुझे बहुत सुखद अनुभव है. मुझे भी बड़ा सीखने को मिलता है. द काइंड ऑफ डेडिकेशन शी हैज़ इज़ अमेजिंग.